कुकवा में एटीएम में केस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान। खनिज नगरी के नाम से विख्यात कुकवा नगर, जो आपस में लगभग 25 से अधिक ग्रामों को जोड़ता है, जहां सुदूर वन ग्रामों से रोजमर्रा का सामान खरीदने ग्रामीण कुकवा ग्राम आते हैं, परंतु ऐसा लगता है जैसे कुकवा और समस्या का जन्म का नाता है, जहां समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ऐसे ही सबसे बड़ी समस्या, जब लोग अपनी जमा राशि निकालने उकवाते हैं तो बैंक में या तो अत्यधिक भीड़ होने के कारण पैसा नहीं निकाल पाते, या आए दिन बैंक का सर्वर नहीं रहता, जिस कारण लोग एटीएम की तरफ रुख करते हैं। जहां उकवा में समाज सेवी जेम्स बारी के निजी आवास में इंडिया वन एटीएम लगा हुआ है, जो मुख्य हाईवे मार्ग में होने के कारण 90% जनता इंडिया वन एटीएम से पैसा आहरण करती है। पर विगत 5 दिनों से केस का अभाव होने के कारण उकवा स्थित इंडिया वन का एटीएम बंद पड़ा है, जिस कारण ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मजबूरी में आधार कार्ड वालों के पास पैसे निकालने जाते हैं, जहां आधार कार्ड से पैसा निकालने वाले द्वारा लोगों को मजबूरी का फायदा उठाकर मनचाहे पैसा ले कर राशि प्रदान की जाती है। स्थानीय ग्रामीणों ने एटीएम संचालन करने वाले संस्था से आग्रह किया है कि जनता की समस्या का त्वरित निराकरण कर जल्द से जल्द एटीएम में राशि की व्यवस्था करें, ताकि लोग व उपभोक्ताओं को परेशानियों से निजात पा सके। कहाँ रहते हो? मैं उकवा के निवासी लोकल में हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, बट वो यहाँ पे जो एटीएम है, सेंट्रल बैंक का एटीएम तो हमेशा ख़राब रहता है, और दूसरा इंडिया फर्स्ट का एटीएम है, उसमें जाओ तो उसमें भी पैसे नहीं है। काफ़ी एक हफ्ते से परेशान हो गया हूँ, बहुत अर्जेंट मेरे को काम है, इमरजेंसी है, किसी को दाखिल करना है, किसी को अस्पताल दिखाना है, तो इमरजेंसी काम नहीं निकाल पा रहा पैसे। आधार वाले के पास जाओ पैसे निकालने के, तो लोग ज़्यादा पैसे की डिमांड करने लगते हैं। अभी समस्या है सर, अब मैं तो चाहता हूँ कि ये ऊपर तक इसको वो करें, फॉलो करें, और जल्द से जल्द ये समस्या दूर हो, ताकि जो गांव से भी जो लोग आते हैं उनकी जरूरत है, वो तो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि क्या निकालना पैसे, कहाँ निकालना पैसे, तो उनकी भी समस्या का समाधान हो, साथ साथ में हमारी समस्या का समाधान भी हो। तो आपका खाता यहाँ बैंक में नहीं है? हमारा सेंट्रल बैंक में, लेकिन सेंट्रल बैंक का अभी सर्वर डाउन, जब देखो जब सर्वर डाउन रहता है, ना फ़ोन पे चला सकते, ना गूगल पे चला सकते, जब देखो जब समस्या है, कभी चालू है, कभी बंद है। एटीएम है, वो नाम का बस सेंट्रल बैंक लिखा हुआ, एटीएम काम नहीं करता। और जैसे एटीएम में पैसे डालते हैं, कुछ रसूखदार लोग पहले पूरा का पूरा पैसा निकाल लेते हैं, और बाकी पैसे दूसरे लोग निकाल नहीं पाते, और जबरन के फिर आधार कार्ड से पैसे निकालवाने के 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, जब तक भुगतेगा आदमी, बस यही समस्या है। रविंद्र पौन, कहाँ रहते हो? मोहगांव। क्या समस्या है? समस्या है कि एक हफ्ते से इस एटीएम में पैसा नहीं आ रहा है, बहुत से लोग प्रॉब्लम हो रही है, दूर दूर से लोग रोज आते हैं और वापस रिटर्न हो जाते हैं। अच्छा, अब बैंक में? बैंक में भी केस नहीं मिल पाता है, सेंट्रल बैंक का एटीएम वैसे ही ख़राब पड़ा है। अच्छा, तो बैंक में क्या सर्वर वगैरह रहता है? सर्वर की प्रॉब्लम रहती है हमेशा सेंट्रल बैंक में वैसे भी। अच्छा, और आधार कार्ड वालों के पास? आधार कार्ड वाले चार्जेस लगते हैं, आधार कार्ड निकालना जाओगे। अच्छा, चार्जेस लगते हैं, ठीक है। कितने किलोमीटर से आते हो कम से कम यहाँ पर? वही 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक के लोग आते हैं इस एटीएम में। अच्छा, यहाँ कितने एटीएम हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2 एटीएम हैं, एक ये है और एक सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का एटीएम हमेशा खराब ही पड़ा रहता है, खराब पड़ रहा है और केस भी नहीं रहता उसमें। तो ये समस्या को आप साधन तक पहुँचाना चाहते हो मीडिया के माध्यम से? आपका? मेरा नाम उत्पल नंदा है। कहाँ रहते हो? यहीं उपकुआ वार्ड नंबर 3 में। क्या समस्या है? समस्या ये है कि इंडिया वन एटीएम जो है, इसमें पैसे ही नहीं रहता। मेरी बेटी को भेजना था पैसे कुछ, उसके फीस जमा करने के लिए, 3 दिन से देख रहा हूँ कि पैसा नहीं है। और इधर यदि सेंट्रल बैंक में जाते हैं तो वहाँ इतनी भीड़ रहती है जिसका हद नहीं। और दूसरे जो MP ऑनलाइन वाले हैं, उनके पास जाओ तो वो लोग एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, 1000 रुपये के पीछे 10 रुपये, और 10,000 के पीछे 100 रुपये, और कोई कोई तो बहुत ज़्यादा भी ले लेते हैं। इस वजह से भारी समस्या है, और ये एटीएम में पैसा होना चाहिए। और बाहर से लोग आते हैं, यहाँ से 36 गांव पड़ते हैं, उन सारे 36 गांव में से कई लोग आते हैं, पैसा नहीं रहता, वापस चले जाते हैं, उनकी रोजी चली जाती है, उनका समय बर्बाद होता है। इस तरह से एटीएम है तो पैसा होना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। एटीएम इसलिए यहाँ खोला गया है कि पैसा लोगों को मिले। अभी तक तो कई
कई बार तो समस्या नहीं रहती, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत भारी समस्या है।